जो सारे जहां में फॉरगॉटन हीरो कहलाता है, इतिहास बताता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है। हाँ अमर ये गाथा है, जो जय हिंद का फ्रीडम में जयकारा लगाता है, नई अलख जगाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है। हाँ अमर ये गाथा है। बोस बाबू बड़े महान है, कोटि कोटि प्रणाम। बोस बाबू बड़े महान है, कोटि कोटि प्रणाम। फिर से पीयूष शीर्षक मेयर का साहित्य गौरव में एकांकी, यही नाटक से हम यहाँ पर सभी छात्राओं को इस वीडियो देखने या सुनने के लिए फिर से सभी छात्राओं को स्वागत करता हूँ। लेकिन इस एकांकी सुखी ढाली इसमें इंदो और बड़े भाई के बीच में पर्दे पर या रंग मंच पर अभी तक भी संभाषण चल रही है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन इंदो की बात समाप्त होने के बाद वहाँ पर बड़ी बहू कह जा सकते हैं, बड़ी बहू कहीं उससे उसने ये सब बातें वो क्या किया है, वो सभी बात क्या है उसके बारे में सभी बताए। इंदु और कैसे कही जाती है और क्या है बोलने के लिए यहाँ पर, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं, वही जब से आ गया है हमारा घर को वही से यही बात सुन रहे हैं। नौकर अच्छा है तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, हम तो न जाने कैसे जी रही है। वापस इंदु ने बहुत ही क्रोध से जवाब देते हैं, वही जब से आई है यही तो सुन रहे हैं, यही तो कहे तो यहाँ पर विषय है। नौकर अच्छा है तो उसके मायके में, मायका का अर्थ क्या है, उनकी माँ के घर में। नौकर अच्छा हुए तो उनकी माँ के घर में ही रहना चाहिए, और खाना पीना अच्छा है तो मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, और हम तो न जाने कैसे जी रही है, हम तो न जाना कैसे जी रही है उसके बारे में हमको वो बातें आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनके मायके के घर में क्या चल रही है वही विषय यहाँ पर अनावश्यक है। यही पति का घर है, पति का घर के बारे में विचार करने तो अच्छा ही हो सकता है, लेकिन मायके के घर की इस तरह है उसी तरह है, ये काम इस तरह चलता है, ये सभी बातें हैं, ये सभी बातें किस तरह है यहाँ पर अनावश्यक है। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता, यही रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो खाने के लिए ना आता है और पीना के लिए ना आता है और कपड़े पहनने के लिए ना आता है, जिस तरह यही बात कर रही है। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम सब गंवार, इंदु कह जा सकता है, हमारे नौकर है वो नौकर गंवार है, और हमारे पड़ोसी है वो पड़ोसी भी गंवार है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों ने
किस तरह है? गंवार की तरह है। इस कहकर बड़े बाहू चकित विस्मित सिर पे सुनती है। यही बात वहां पर बड़े बाहू ने इंदु का जो बात है वो इंदु की बात बड़ी ही ध्यान से ही सुनता है। लेकिन यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा का अर्थ क्या होता है? गंवार। यही सभी व्यक्तियों इसमें रहने वाले, इस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने किस तरह है? गंवार की तरह है। यही बात सुनकर बड़े बहू ने विस्मित हो सकता है इंदु, मैंने भी कहा दिया, मैंने भी उनको जवाब दिया है। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? क्या बात है भाभी तुम्हारे ही मायके की? तुम्हारी मायके के बारे में आप वर्णन की जा सकता है, लेकिन वही विषय यहाँ पर अनावश्यक है। लेकिन वही विषय लेकर आप बात करते हैं ये अच्छा नहीं है। इसके बारे में ये बाबे के साथ मैं भी बात किया है। एक नमूना तुम्हारा जो हो, एक नमूना किस तरह है आपकी, उनकी ही तरफ से ही बात करता है। लेकिन एक मिश्रणी और ले आते तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते, लेकिन एक गंवार की आदमी हमें लेकर आते तो यहाँ पर एक मिश्रणी आ गए तो वो मिश्रणी भी क्या हो सकता है उससे कुछ सीख लेता है। दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बहू बोला कि सास प्रवेश करती है। इस बात समाप्त होने ही समय में भाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी और इंदु की माँ और छोटी बहू बोला बेला यहाँ पर आती है, रंगमंच पर आ जा सकता है। छोटी बाबू आने के बाद भाभी ने कहती है, छोटी भाभी क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई, यहाँ रजवा रो ही रही है। छोटी भाभी ने इंदु के सामने आकर कहता है, क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई है, यहाँ पर क्या बात हो गई है, यह रजवा रो रही है। लेकिन रजवा रो रही है कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने से, लेकिन वो रोने के लिए क्या कारण है, यहाँ पर क्या हो गई है, रजवा ने रो रही है, क्या तुम कोई जो कड़वी बातें रहती है या बुरी बात रहता है वो बुरी बात कह दी है छोटी बहू ने इसे। इस तरह जो प्रश्न छोटी भाभी ने इंदु को कहती है, लेकिन इंदु वापस जवाब देता है, मीठी वो कब कहते हैं जो आज कड़वी कहेंगे, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति मीठी बात कब कहती है उन्हें, लेकिन हर समय में रोज ही कड़वी बात कहेंगे। छोटी भाभी यहाँ आज तुम कैसे जली कटी बातें कर रही हो, लेकिन आज तुम यहाँ पर आकर जो आपका विचार है, आपका बात है, वो बात किस तरह है, जली कटी की बात है, लेकिन उनके ही विचार के बारे में ही आप ये बात कर रहे हैं। छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? लेकिन यहाँ पर छोटी बहू है ना, वो छोटी बहू ने झगड़ा की गया है क्या, जिस तरह प्रश्न छोटी बाबू ने भाभी ने कह जा सकती है। उसी समय रजवा बड़े हुए गले से, लेकिन वो झगड़ा हो गई है, वो झगड़ा किस तरह हो गई है, गले से या गला से हो गई है। माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे कम से हट दिया, माँ जी आज उन्होंने बरबस, यहाँ पर बरबस है जबरदस्ती, बरबस का अर्थ क्या है वहाँ पर, जबरदस्ती से, जबरदस्ती से या बरबस से मुझे काम से हटा दिया, मुझे काम से वो व्यक्ति ने हटा दिया है या निकल दिया है। इतने वर्ष हो गया आपकी सेवा करते, लेकिन बहुत दिन हो गई, बहुत वर्षों यहाँ पर हो गई है आपकी ही सेवा मैं कर रहा हूँ। इस तरह रजवा ने कहती है, कभी किसने
इस प्रकार अनादर न किया। कभी तुम्हारे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने मुझको जो अनादर की तरह जो बात न किया है, लेकिन यहाँ पर वो बाबी ने आने के बाद मुझको काम से हटा दिया, बर्बस से हटा दिया या जबरदस्ती हटा दिया। बहुत दिनों से मैं आपकी सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन आपके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने मुझे इस तरह अनादर की ही तरह न किया है। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, लेकिन मेरे तरफ से मुझे तो ही माँ जी है, और मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी, लेकिन माँ आज से उनका जो काम है वो काम करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, जिस तरह रजवा ने कहती है। छोटी भाभी उसी समय, वह तो बच्चे है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची ही हो गई, लेकिन वो व्यक्ति है वो किस तरह है, अभी भी बच्ची है, लेकिन आप ही उसके साथ मिलकर आप ही बच्ची हो सकती है क्या, जिस तरह छोटी भाभी ने प्रश्न करती है। उसी समय इंदु ने बात करता है, मुंह बिचका कर, जी हाँ बच्ची है, जी हाँ आपकी ये बोलने का यह वाक्य है यह बात है वो बात बहुत ही सत्य है, बच्ची है। रोटी को चोची कहती है, वो बच्ची है या रोटी खाता है वो रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करना नहीं आती, उसे तो किस तरह बात करना है वो नहीं आ जा सकता है। बहुत ही क्रोध से इंदु ने कहता है, अपने मायके के सामने तो किसको कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की भी जबान, आपके मायके की जो वर्णन करता है, आपके मायके की सामने यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों ने क्षुल्लक रीति से या क्षीण रीति से वो व्यक्ति ने देख सकती है। उसे समय बड़ी बाबू, बात यह है छोटी माँ की छोटी बहू के हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, लेकिन बात यह है कि छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना या पहनना या ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है, उसे हमसे हमारे पड़ोसी से हमारे बात से घृणा, लेकिन उनके पास इतना ही विचार है, इसमें हमारे पड़ोसी से हमारे बात से उनके पास घृणा है। छोटे बाबू फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़े का आदर करना, अपने घर की रुकी सुखी को दूसरे के चुपड़े से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और चोटों पर, इस तरह जो छोटी भाभी ने कहती है, लेकिन फिर कैसे चलेगा वो बात, यहाँ पर किस तरह चलता है, हमारे घर में तो मिलकर रहना, हमारे घर में किस तरह वातावरण है वो वातावरण के साथ या एडजस्ट करने के साथ ही रहना है, और बड़े का आदर करना, यहाँ पर बड़े व्यक्तियों रहता है वो बड़े व्यक्तियों का आदर करना, अपने घर की रुकी सुखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा न समझता है, लेकिन आपका जो मायका का घर है वो मायका का घर में इस तरह है उसी तरह है वो बात करना ही अच्छा हो न सकता है। नौकर पर दया और चोटे पर, नौकरों रहती हैं या मिश्रानी की तरह या रजवा की तरह रहती हैं वो नौकरों की तरह क्या करना, वहाँ पर दया रखना और चोटों पर। मंजली बहू बाहर से हंसते हुए प्रवेश करते हैं, उसी समय मंजली बहू ने हंसते हुए बाहर से प्रवेश करती है। मंजली बहू प्रवेश करने के बाद किही हा 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 वो हंसती है, इंदु क्या बात है भाभी जो हंस के मारे लोटे पेट पोट हुई जा रही हो, क्या बात है भाभी इस तरह तुम्हें हंसती है, उसी तरह हंसने के लिए मारे लोट पोट हुई जा रही हो। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करते, उसी ही गैलरी पर वही रंग पंच पर मंजली भाभी और बड़ी भाभी जो प्रवेश करता है, दोनों
एक ही समय में बात करता है। क्या बात है जो आज ही इतने हाँ हाँ ही हो रही है? क्या बात है? यहाँ पर बहुत ही सभी व्यक्तियों ने हंसती है, हाँ हाँ किदार तरह ही तरह तुम्हें हंसती है, यहाँ पर क्या बात हो गई है? ये दोनों व्यक्ति ने एक ही साथ बात करती है। इंदु यहाँ बात यह है कि बस हंस जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। यहाँ बाबी है ना, केवल उनका क्या करती है, वो हंसती है, क्या हो गई है उसके बारे में ना बताती है। मंजरे बाबू मैं कहता हूँ, मंजरे बाबू ने वापस करते हैं, मैं कहता हूँ क्या हो गई है उसके बारे में मैं बताता हूँ। फिर हंस पड़ती है। वो समाज समाप्त होने के बाद वहाँ पर फिर वैसी तरह वो हंसने की जो काम है वही चल रही है। बड़े बहू आखिर कुछ कहो भी, हंस बंद कर, आखिर क्या हो गया है वही बता दो। मंजरे बहू आज भाई परेश की वहाँ गत बनी कि बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया, लेकिन यहाँ पर परेशी है, वो परेशी ने आपकी जो मुँह है वो मुँह लेकर रह गया है। किही हा 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 हा, इस तरह वहाँ पर फिर हंसते हैं। छोटे बाबू वो हो तो तुम्हारे हंस भी बहू वो ही इस कारण के लिए तुम्हारे हंसती है क्या? मंजरे बाबू मैं क्या करूँ, माँ हंस के मारे पर जाऊंगी। छोटी माँ अभी भी छोटी बहू ने परेश की वहाँ गत बनाई, मैं क्या करूँ? लेकिन यहाँ पर इस तरह होने के लिए छोटी माँ अभी भी छोटी बहू ने परोश की वहाँ गत बनाया है। बेचार अपना सा मुँह लेकर दादाजी के पास भाग गया, बेचारी अपने मुँह बंद कर दादाजी के पास वो परोश ने पास भाग दिया है। लेकिन बड़ी बहू इंदु बात क्या हुई है? इस तरह कहने तो यहाँ पर क्या भी न हो सकता है, आगे बात क्या हो गई है उसके बारे में बता दो। लेकिन उसी समय मंजली बाबू ने बाबी ने कह जा सकती है, वो मंजली बाबी ने आगे क्या बात करती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।